हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये मैंने फैला के रिश्ते पे रख दिया है। बहुत सारी खरीदारी करके लाया हूँ। कुछ चीज़ें इधर उधर भी रखी हुई, अलमारी में भी रख दी हैं। इतनी सारी खरीदारी मैं करके क्यों लाया हूँ, ये खुलासा बहुत ही जल्द होगा। इधर भी एक चीज़ चल रही है घर में। अरे तो इधर क्या चल रहा है? कल की जो पूजा है, हाँ, कल की पूजा का इंतजाम ड्राइंग रूम में। यहाँ पे मम्मी ने जो है बड़ी लाइट भी चला दो प्लीज, है ना। तो बहुत सारी चीजें इंतजाम करके मम्मी ने जो है रख ली है। ये हमारा चूल्हा है जिसमें सिर्फ व्रत का खाना बनता है, यानी सिर्फ पावन का, हाँ, चोरचन का, सत्यनारायण की कथा का और बाकी सारी चीजों का इसी चूल्हे पे खाना बनता है, है ना। तो यहाँ सिलेंडर लगा दिया गया है। पूजा की जो तैयारी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी और पवित्रता से, मतलब ये सिलेंडर तक जो है ना, इसको भी अच्छे से सर्फ से मांझ के तब यहाँ पे रखा है। ये थैला जिसमें आप देखने सब्जी आई है, ये भी सुबह मशीन में धुला है, राइट। उसके बाद सब्जी आई है, ये पूरा एरिया अच्छे से सफाई हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सामान रखा गया है। ये सारे कार्यक्रम शाम से मैं मम्मी के साथ बैठ के कर रही हूँ। और यहाँ जो चद्दर देख रहे हैं ना, चद्दर में जो है वो दही मटपूरी, हाँ, यहाँ पे देखिए पूरा ड्राइंग रूम का हाल इधर उधर कर दिया गया है। हाँ, और इसलिए रखा है क्योंकि अब जब तक कल शाम की पूजा शुरू नहीं होगी तब तक उस दही को आप उगाड़ के देख नहीं सकते। हाँ, ढकी हुई है आराम से, बस ये लुढ़क ना जाए। नहीं, बहुत अच्छे से रखा है, बहुत केयर से रखा है और बच्चों को भी समझा। पापा लाएंगे सब्जी आज, पता नहीं क्यों मार्केट में सब्जियों की बहुत कमी थी, है ना। कुछ तरह के फल आते हैं और सब्जी, नमकीन प्रसाद वगैरह भी चढ़ता है चौठी चंद्र भगवान को। हाँ। क्या होता है चौठी चंद्र, जे मैथिल लोग तिनका सबके तो सबटा चीज बुझले है तेन, है ना, कोना मनायल जाए छे चौठी चंद्र के पूजा कोना कैल जाए छे। बाकी जो छे से हम सब अखन तैयारी भैये रहल छे, काइलो बहुत सारा चीज होते ये बचल कुचल सामान सब छे जे अले या काइले सबटा सामान आइब गेले, जेना मैदा, आटा, चीनी, भूरा, नारियल, इलायची, जे सब बहुत सारा चीज तक नो आइब गेले, बहुत जे रही गेल छले से सामान सब है। आ फल सब्जी जे रही गेल छले सब पूर्ति भेले, नींबू मिर्चाई, मार्केट में पता नहीं कथी ले आई, सामाने नहीं भेटल सब्जी जे हम सोचने छी कि हम काइल बनाए से हमरा सामाने पूरा नहीं भेटल है। देखियो की होय छी, तो यह सब चल रहा छे घर में हमरा सबके। आई चल रहा छे, काइल चलते, काइल स्पेशल छे, कल बहुत सारी चीजें होने वाली है हमारे घर में। फिर पूरे दिन गंगा जल रखा हुआ है यहाँ पे, मम्मी ने, हाँ, मम्मी ने रख दिया है। इसी तरह की चीजें जो है वो पूरा दिन हमारे यहाँ चल रही थी। मैं गया था शॉपिंग करने, बहुत सारी ये किराओ की दाल है जो इस पूजा में बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंस रखती है। इसी की दाल चढ़ती है, इसी की दाल भर के ना पूड़ी बनाई जाती है, जो कि श्री चंद्रमा भगवान को चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि चतुर्थी का चांद जो है ना वो श्रापित होता है और उसको फल लेके देखना चाहिए। तो आप भी अगर मनाते हो तो बिना फल के कल चतुर्थी का चांद ना देखें। वैसे भी बहुत ही कम टाइम के लिए उगते हैं, है ना, बिल्कुल घर मुश्किल से दिखते हैं। रात के करीब 11:30-12 हो रहे होंगे, तो उस हिसाब से जो है मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी, और अभी के अभी इसको एडिट कर डालूंगा। मैं आप फोन देता हूँ आगे भैया इनको कि ये जाके छोटी के साथ अपना कुछ कुछ चीजें बना लेंगी। हाँ। है ना, और क्या क्या हुआ है किचन में, क्या चीजें कर रहे हैं, क्या कैसी एक्साइटमेंट है कल के लिए, जो है वो सारा दिमाग कल पे ही टिका हुआ है, आज का सब निपट चुका है हमारा किचन खाना। तो ये जो ड्राइंग रूम है इसको हम कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं, जिससे कि भाई हमारे जो हमारी जो नीड है ना वो पूरी होती रहे। सबसे टेस्टी जो है वो दही लगती है, लेकिन पता है क्या हो रहा है, कल ना हमारा एक वर्कशॉप है और मुझे जाना पड़ेगा, और ये इतना वास्ट है ना, इतने सारे इसमें लीडरशिप आ रही है ना कि मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि कल चला जाता हूँ, है ना, मैं सोचूंगा कि मैं कहीं और हूँ। इसके अलावा घर में ना बहुत सारे इस हफ्ते आपको खुलासे देखने को मिलेंगे। अनानास फ्रिज में रखना, फ्रिज में रखते हैं? नहीं। तो इसके अलावा भी इसी हफ्ते आपको बहुत सारे खुलासे देखने को मिलेंगे घर में, है ना। एक खुलासा तो ऐसा आने वाला है कि भैया मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही बड़ा खुलासा है वो, और जो दूसरा है वो मेरे से रिलेटेड है, वो क्या है वो आप जान जाएंगे बहुत ही जल्दी। आगे आगे तक हमारे ब्लॉग को देखते रहेंगे तो, हाँ, ब्लॉग से बने रहेंगे, आपको सारी अपडेट्स पता चलती रहेंगी, है ना। तो अभी ले जाइए भाई मोबाइल छोटी के पास और थोड़ा बहुत आप लोग ब्लॉगिंग करिए। मम्मी से भी पूछिए कि मम्मी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन व्रत करके फिर भी पूजा करनी है, क्या कर सकते हैं। मैंने बोला उनको कि मैं व्रत मतलब व्रत करके और खाना बना लेती हूँ। मम्मी ने बोला कि जो व्रत जो सहते हैं, जो व्रत करते हैं वही प्रसाद बनाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं व्रत करके और प्रसाद बना लेती हूँ, सुबह सुबह 6-7 बजे चूल्हा लगा देंगे,
तो बोले कि नहीं प्रसाद तो हम अपने जो व्रत करे वो करे, हम बाप बेटे तो बहुत सारे गोलगप्पे और टिक्की बर्गर खा के आ रहे हैं, हमारे लिए भी आ रहे हैं, इनको भी इनके लिए ले आया था, खिलाया खूब सारा। राइट, केश गोलू नहीं खा पाया क्योंकि सो गया था बेचारा, इसलिए नहीं खा पाया। आया था शाम को ना, नाश्ता कुछ नहीं ले गया था ना करने आया था। और पापा को क्या ही दिखाएं, हमारे पापा बस यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, अपने मोबाइल में लग जाते हैं, को भी लेना देना नहीं होता दुनिया। हाथ जोड़ के देखते हैं भगवती का नाम लेके, और उसके बाद सीधे मोबाइल देखने लगेंगे, और जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक मोबाइल देखते रहेंगे। तो ये फोन जा रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मम्मी के पास, मम्मी रात की दवाइयाँ ले रही हैं। मम्मी के भाई दिन दवाई चलते रहो, दवाई सारा दिन पानी ले लेके हर चार घंटे पाँच घंटे पे मम्मी दवाइयाँ लेती रहती हैं। तो माँ का कल पावन है, आज से ही चालू है, सुबह से ही नहाए खाए मम्मी का नहाना, हाँ दवाई खाना, और दवाइयों का ही जो रिएक्शन है वो उसकी वजह से बहुत सांस भी फूल रही है, पैर में भी जो है देसी विदेशी दोनों तरीके के इलाज मम्मी आजमा रही हैं कि कैसे भी मैं ठीक हो जाऊँ। एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया है, ना बहुत परेशान है, ज़्यादा क्योंकि बंद गई हैं एकदम पैर की वजह से, ना ना चलना हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, ना मन लग रहा है इसे। अब कायल पार लगते छोटी चानन पार लगे थे ना, ना? चलत आराम को ले के कल अपने बने थे प्रसाद के हम, हाँ नहीं कहती तो हम भाई जो कि व्रत को कर, हाँ साइड आइट साइड तो रहबे करो, व्रतो कलब कहती तो नहीं भाई सल है, तो जावे तक रहती तावे तक देख ले, जरूरत पड़ती तो अदला बदली कर। हाँ ठीक छा, ठीक छे तहन है आराम करत, राधे राधे कर। राधे राधे। मम्मी से मिलके आप सभी से राधे राधे करा के मैं गई छोटी के पास कि मैं उनके साथ भी आपके साथ थोड़ा सा मिल लूंगी, बातें कर लूंगी, पर वो सो चुकी हैं भाई, सो चुकी हैं क्योंकि बज गए हैं रात के 12, है ना। तो आज जो मैंने आपको इतना सारा सामान इस ब्लॉग के शुरू में दिखाया है ना, तो आप गैस करो कि क्या मैंने क्यों इतनी सारी खरीदारी की है। इतनी सारी 2-3 महीने पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद हिंट दिया था कुछ, है ना, कुछ ब्लॉग्स में मैंने हिंट दिए थे, तो बताइए कि क्या खरीदारी, क्यों खरीदारी की है। आपसे ज्यादा आपके हिंट को जो समझा था वो तो हमारी ये YouTube फैमिली ही थी, हाँ, है ना, राइट। तो इन्हें याद होगा, फिर भी कल के कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों की है इन्होंने इतनी सारी, क्या इनके पास कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए जो इतने सारे खरीद लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये बोल के गए कि मैं ना थोड़े से जा रहा हूँ अपने लिए एक आध शर्ट एक आध पैंट लेने जा रहा हूँ, जरूरी है, ठीक है भाई। ये ना वो बड़ी वाली जो पन्नी होती है ना जिसमें रजाई कम्बल रखते हैं, उसमें लेके आए, हमने कहा ये क्या लेके आ गई इतनी सारी शॉपिंग, मम्मी और मैं ऐसे देखने लगे, इकत मम्मी कह रही इकत ही लो ले उठा कर आते सारा, दिल्ली गेल चले हैं बुआ, हम कहले ना मम्मी दिल्ली 5-6 बजे ये घर से निकले थे, 6 बजे भी नहीं 7 बजे करीब, और ये आ भी गए 9:30, और मम्मी इनसे कह रही दिल्ली गेल चले हैं बुआ। बहुत सारी खरीदारी की है, दरअसल हुआ क्या है की बच्चों के जन्म के बाद ना मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, टी शर्ट्स के अलावा कुछ नहीं खरीदा। इसलिए खरीद लेते हैं कि जैसे कि साल में जो त्योहार आते हैं 30 त्योहार आते हैं तो खरीदनी पड़ती है सबके लिए, फैमिली में बड़े हैं तो सबके लिए जाते हैं, तो एक आधा अपने लिए भी ले लेते। मुझे टी शर्ट्स का शौक भी बहुत, स्पेशली अपने लिए लेना हो तो जाना ही नहीं है, बहुत है ये बात। मैं बता रहा हूँ मैं 6-7 लेके आता हूँ और उसमें से सब बट जाती है और एक आध रह जाती है मेरे लिए, लाते हैं हमेशा खूब सारी हैं, हर साइज की ले लेंगे, XXL XXL हर साइज के मेंबर्स हैं। आपको पता है कि हाँ ना जाना चलता रहता है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो देखना पड़ता है, सबकी नातेदारी भी तो देखनी पड़ती है ना भाई लोगों, करते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये सब चीजें करते करते अभी आप बताइए कि क्यों की है मैंने इतनी सारी खरीदारी, है ना। ये जो टी शर्ट पहनी है ना इसका जब देखो तब कॉलर उल्टा कर मैं इसलिए कर लेता हूँ कि ये ना लाइट कलर की है, मुझे इतना पसीना आता है ना इसका कॉलर ना खराब हो जाए, इसीलिए मेरी यूट्यूब फैमिली तो समझेगी ना, हाँ इसीलिए मेरी टी शर्ट ना 10-10 साल चल जाती है। एक येलो वाली जो रखी हुई है बिल्कुल नई लगती है अभी भी, और वो बहुत पुराना सूट, मैं शादी के तुरंत बाद खरीदा हुआ था मैंने, ये बहुत ही अच्छी जगह से और बहुत अच्छे बड़े मॉल से मुझे इन्होंने दिलाया था, हाँ ये मैक्स से दिलाया था, ये बहुत ही सुंदर है। 6 साल पहले ये मेरे को इन्होंने सिर्फ कुर्ती ही दिलाई थी 1000 रुपीज की, 6 साल पहले दिलाया, 6 साल हो गए, कब हो गए 6 साल, साक्षी मैं आप दीदी हम गए थे, 6 साल हो गए 23 में, 6 साल हो गए साक्षी और हमारी इस टॉपिक पे एक बार बात भी हुई थी, हम 2-3 कुर्तियां लाए थे लॉकडाउन के बाद गए हैं, लॉकडाउन से पहले की कुर्ते हैं ये मेरे, नहीं लॉकडाउन के बाद मैंने खींचे हुए रील्स बनाई हुई हैं टिकटॉक पे,
अच्छा मुझे ज्यादा याद रहता है और इस बात का सबूत सब कह देंगे कि दीदी आप सभी को पता नहीं, दीदी मुझे विविध भारती भी कहती हैं, कहती घर में कोई इंसिडेंट हो जाए और कन्या बंटी कन्या से बात कर लो, कहेंगे जैसे जैसे कोई बात होगी ना तो फोन मिलाएंगी, गुड्डू क्या हुआ, जैसे ऐसे बात हुई थी क्या हुआ, फिर कहेंगे अच्छा तो छोड़ कन्या को फोन दे दे, मेरे को विविध भारती ज्यादा अच्छे से बताएगी, वो मुझे बहुत मतलब चिढ़ाती है। और मुन्नु भी जो है ना वो बहुत ज्यादा मेरे को मतलब ऐसे राइट बेस्ट जैसे कॉलेज फ्रेंड होती है ना वैसे मेरे को छेड़ती। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा वाला खुलासा जो होगा ना वो एक और खुलासा होने वाला है घर में, उसके बाद होगा शायद वो खुलासा हम कल कर दें परसों कर दें, है ना, आप लोग बहुत दिनों से वेट भी कर रहे हैं उस खुलासे का, तो ये आपको पता चली जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं बताऊँ 99.9% ना सबको पता है, लेकिन वो जो एक फील होता है ना, वो जो एक जो आप लोग चाह रहे हैं कि हम अपने मतलब मुंह से बताएं वो चीज है ना, या जो आपके सवाल है उनके जवाब हम बस करो बस करो बस करो कल पता चल जाएगा या परसों, है ना, मैक्सिमम वेडनेसडे या थर्सडे तक जाता है ऐसे हमेशा। कोई से चुप करा सकता है भाई, लोगों को बताओ जरा, है ना। चलिए तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, कितने दिनों बाद हम दोनों साथ में आए ये भी जरूर बताइएगा, कि कभी भी साथ में व्लॉगिंग करने नहीं आते हैं, ये लो फोन लो व्लॉगिंग कर लो, या मैं खुद ले आती हूँ फोन, या फिर मेरे को किचन में व्लॉग करना होता है, मैं सोचता हूँ मैं क्या ही बोलूंगा, जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है मेरे बहुत सारी चीजें बोलने की, बहुत बड़ी बात है। दो दिन से मैं गुस्से से अपने फोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ, गुस्सा थी मैं। अच्छा। कि मुझे करना ही नहीं इनके फोन से ब्लॉगिंग, जब करने जाओ तो आपस में कर लो, आपस में कर लो, मेरे को मैं सोचता हूं छोटी बहू को ज्यादा देखना चाहते हैं, और इतने अच्छे कमेंट आते हैं इनके लिए, फिर भी ऐसे बोलेंगे मुझे नहीं कोई देखना चाहता। अब देखना कल इतनी अच्छी पार्टी हुई थी हमारी, ऑफिशियल पार्टी थी, हालांकि मैंने ब्लॉगिंग नहीं की वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लॉगिंग का कोई ज्यादा स्कोप नजर आता नहीं है मुझे, कितनी लोगों की डांस वांस की, मैं एक रील बनाई है मैंने, वो भी क्योंकि गाना पसंद आया, 7-8 घंटे के लिए बाहर। अच्छा ये व्लॉगिंग बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, तो कभी और हम बैठ के बातें करते हैं, ये तो रोज की बात है हमारी, बिल्कुल। तो है ना, अपना ख्याल रखिएगा चौथी चांद्र की, क्योंकि ये कल डल जाएगा व्लॉग, तो चतुर्थी है कल, तो चौथी चांद्र की गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, गणपति बप्पा सबके घर में खूब सारी खुशियां बरसाएं, सबको तरक्की दे, स्वास्थ्य सबका अच्छा रखे, यही कामना है। इसी के साथ अपना ख्याल रखते हुए टेक केयर, बाय बाय, राधे 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 राधे।